हाय गाइस, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। गाइस, मेरे पास एक सेट सैमसंग B310 का है और इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम का दिक्कत है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह सर्चिंग में लगा, लेकिन इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है गाइस। तो जब ऐसा कोई सेट आपके पास आए तो आपको क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जब ऐसा कोई सेट आपके पास आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है। इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम का दिक्कत है और जब नेटवर्क प्रॉब्लम का दिक्कत कोई सेट हो, किसी सेट में नेटवर्क प्रॉब्लम का दिक्कत हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है और फिर ये जो ये ऊपर से एंटीना, ये टीना जो लगा हुआ है जिस पे मॉडल लिखा हुआ है, इस टीने को हम बाहर निकाल देते हैं। और हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे नेटवर्क लाइन कि क्या इसका लाइन जो है नेटवर्क का वो वहाँ तक जा रहा है पावर आईसी की तरफ या नेटवर्क आईसी की तरफ या नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसके बगल में यहाँ पर हम इसको रखकर यहाँ पर बर्जर रेंज पर मीटर से चेक करेंगे। अगर बीप कर रहा है तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मतलब लाइन पूरी क्लियर है। तो हम ब्लैक वाले सिरे को यहाँ पर एंटीना पर रखेंगे और रेड वाले से हम इसको चेक करेंगे और ये अगर बीप कर रहा है तो फिर ये सही है, परफेक्ट है लाइन। और यहाँ पर ये बीप कर रहा है, हम दूसरा भी चेक कर ले रहे हैं। ये यहाँ पर अच्छे से ये बीप कर रहा है, आवाज़ दे रहा है। तो ये यहाँ पर जो लाइन है इसका लाइन क्लियर है। तो दूसरा स्टेप गाइस क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो बड़ी वाली आईसी लगी हुई है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें जो करना है इसको पत्ते को हटा देना है, इसलिए हमको यहाँ पर अब हीटिंग करना होगा मदरबोर्ड पर। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कहीं ये सेट दिखाया गया था जिसकी वजह से इसमें पेस्ट लगा हुआ है। और पहले हम इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं, मदरबोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। और फिर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो हम इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर ये जो क्रिस्टल आईसी है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो क्रिस्टल आईसी है हम इस पर हीटिंग करेंगे पेस्ट लगाकर अच्छे से। इस पर हम ये जो क्रिस्टल आईसी जहाँ पर मैंने चिमटी को रखा हुआ है, इस क्रिस्टल आईसी को हम अच्छे तरीके से हीट करेंगे। अगर हमारे पास इसी तरीके से कोई दूसरा सेट है B310 का तो इसको रिमूव करके दूसरा हम यहाँ पर लगा देंगे, अगर नहीं है तो हम इसको हीटिंग अच्छे से करेंगे। और हीटिंग करके हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। हम इसको अच्छे से हीटिंग कर लेते हैं और हमने यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने इसको यहाँ से उखाड़ दिया और फिर दोबारा हमने वहाँ पर इसको लगा दिया है। और ऐसा करके हमें अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद जब ये मदरबोर्ड ठंडा हो जाए, कूल हो जाए,
तो फिर इसको हम क्या करेंगे, हम मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से वाश कर लेंगे, और वाश करने के बाद हम इसको सुखा लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको लगाकर चेक करेंगे कि जो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए मैं फटाफट से इसको सुखा लेता हूँ, सूख भी गया है। और अब मैं यहाँ पर इसको जो इसके ऊपर टीना था मैं उसको लगा देता हूँ, और मैं इसको अब चेक करके देखूँगा कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। चलिए हम सिम लगा देते हैं यहाँ पर। और चेक करते हैं। चलिए हम इसको सेट को ओपन करते हैं। ये देखिए गाइस, तो दोस्तों ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और बहुत ही आसानी के साथ। तो गाइस जब भी आपके पास कोई ऐसा सेट आए तो आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देख करके वीडियो काम सीख करके आप भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं, और आपका भी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस चलिए हम इसको सेट को बांध देते हैं और फिर दोबारा हम आपको दिखा देते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इसलिए